प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जून 2023 में कब मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। आषाढ़ मास में 29 जून बुधवार को देवशयनी एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे सारे शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान की निद्रा अवस्था में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। वर्षा, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए इस समय कोई भी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। संत समाज के लोग भी चातुर्मास में एक ही जगह बैठकर भगवान का भजन करते हैं। हरिशयनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त के बारे में विस्तार से जान लीजिए। आषाढ़ मार्ग के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बुधवार 28 जून 2023 को रात्रि में 10:49 से प्रारंभ हो गई। एकादशी तिथि का समापन 29 जून को रात्रि में 10:33 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के आधार पर हरिशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकालीन उठकर पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले आसन पर पीला वस्त्र पहनकर स्थापित करें। भगवान को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए पीले फूल से माला बनाकर श्रीहरि को पहनाएं। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, फूल चढ़ाकर आरती करें। पूजा करने के उपरांत ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इस प्रकार पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।